स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और देखिए, याद रखिएगा, हमने बिल्कुल बेसिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी बहुत पहले कि एक चीज़ होती है स्ट्रक्चरलिज्म। क्या होती है? स्ट्रक्चरलिज्म, जो निकली है डिटर्मिनिज्म से, जिसका मतलब है इस स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। यानी कि ये बात हमने डिफाइन कर दी कि इंडिविजुअल खुद से कुछ नहीं करता, देर इज अ स्ट्रक्चरल फोर्स जो उसके एक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, यानी कि यही एक्चुअली डिटर्मिनिज्म का हमारा कोर कॉन्सेप्ट है कि इंसान खुद से कुछ नहीं करता, एक्चुअल में दरअसल देर आर सम स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो इंसान के एक्शन को ड्राइव कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये अप्रोच दरअसल मैक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करती है। ये रहा सोसाइटी मौजूद है और इस सोसाइटी ने क्या किया, एक स्ट्रक्चरल फोर्स क्रिएट की और उसकी बेसिस पे इंडिविजुअल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये बात समझ में आती है? ठीक है, यानी कि एक्चुअल में ये लोग इंडिविजुअल को किसी का कसूरवार नहीं ठहराते, किसी का कसूरवार नहीं ठहराते। इनके नज़दीक स्ट्रक्चरल फोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझिएगा। अब देखें, याद रखें, हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चरलिज्म आता है। एक वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको लगता है हाँ सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर ड्राइव कर रहा है, लेकिन दे वांट टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, दे वांट टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। यानी कि ये लोग, ये वो लोग हैं जो कहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, यानी कि आसान अल्फाज में बोलूं तो ये लोग दरअसल सोशल स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन लोग आते हैं? हमारे पास फंक्शनलिज्म आते हैं, फंक्शनलिस्ट आते हैं। अब दरअसल फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? ये कहते हैं सोसाइटी चल रही है सोशल सॉलिडारिटी, वैल्यू कंसेंसस की बेसिस के ऊपर। यानी कि ये एक्चुअल के अंदर सोसाइटी की स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं। यानी कि एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, कंसेंसस क्रिएट हो गया ओवर दी वैल्यूज। अब ये जो कंसेंसस है या फिर एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज हैं, ये एक स्ट्रक्चरल फोर्स बन गई और इंसान के एक्शन को ड्राइव करने शुरू कर दिया इसने। सही है। अब ये लोग दरअसल ये लोग क्या करते हैं, ये दे सपोर्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दे सपोर्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज इनको ये लगता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई फंक्शनलिज्म कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शनलिज्म कौन से, भाई आपका रिप्रोडक्शन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, सारे फंक्शन फैमिली परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट ने इस वजह से फैमिली को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन टेल यर? ठीक है, अच्छा अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इसके आगे हमारे पास एक्चुअली पूरी कहानी आगे जो चीज़ों की टॉपिक की लग रही है, स्पेशली जेंडर रोल्स वगैरह की, उसमें सारी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसको एक तरह से बिल्कुल रिकैप की तरह करा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, अब देखो आगे जाए,
अब हमारे पास दूसरी अप्रोच आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये लोग दरअसल सोशल चेंज डिजायर करते हैं, यानी कि आसान अल्फाज में बोलूं तो रेवोल्यूशन चाहते हैं। दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, लेकिन इनका भी मानना यही है कि सोसाइटी जो है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी एक स्ट्रक्चरल सोसाइटी है, स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। ये बात समझ में आती है। फिर अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो इनके पास अब क्या है, अब हमारे पास पहली थ्योरी आती है मार्क्सिज्म की, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर में क्या नेगेटिव चीज निकालती है, वो देखती है सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर इज प्रमोटिंग क्लास इनइक्वालिटी। ठीक है जी, क्लास इनइक्वालिटी प्रमोट करी। अब ये अब क्या हुआ, क्यों, क्योंकि सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, जिसके पास पैसा है वो सोसाइटी के अंदर कंट्रोल गेन करके रखा हुआ है उसने, सही, यानी कि कैपिटलिज्म कुड बी एन स्ट्रक्चरल फोर्स हु इज गोइंग टू ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन, एम आई राइट? ठीक है, अब आगे आते हैं, अब इस चीज को आगे पढ़ते हैं। अब देखो ये दोनों जो हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली चीज है, जो आज हमारा कोर टॉपिक है, दैट इज अबाउट फेमिनिज्म, जो दरअसल जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ है, जिसको लगता है सोसाइटी के अंदर जो पेट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेंसी है, ये किसकी डोमिनेंसी, कैपिटलिज्म किसकी डोमिनेंसी थी, कैपिटलिस्ट की डोमिनेंसी थी, सही है, कैपिटलिस्ट जिसका पैसा है उसकी डोमिनेंसी थी, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी पैदा हो रही है। अब पेट्रियार्की को, अब इसको जो सल समझने वाली चीज़ जैसे मैंने पूरी तमीज बांधी है, वो क्या बात है, वो बात ये है कि अच्छा जी, अब क्या है, सारा खेल किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, वो इस पे बेस कर रहा है कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। इंसान के एक्शन को बिल्कुल शुरू वाली वीडियोस देखी हुई, नहीं देखी हुई, देखी हुई ना, फंक्शनल मार्क्सिज्म पता है ना बेसिक, हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म पता है, नहीं पता, पता है ना बेहतरीन। अब वो स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कहानी हम यहाँ पर खींचेंगे, ठीक, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुने, अब क्या है, अब ये लोग जो हैं, समझने वाली जो बात है, सारा गेम क्या है, सारा गेम ये है, दे आर अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वंस, अब समझना, अब देखो मेरी बात में थोड़ी टेक्निकल चीज है, अब क्यों अगेंस्ट है, बिकॉज द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन प्रमोट, फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन प्रमोट व्हाट, अब देखना है, अब देखो इनके नजदीक फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल सॉलिडारिटी प्रमोट कर रहे हैं, एम आई राइट, कैन कंसेंसस क्रिएट करके दे रहे हैं। इनके नजदीक जब यही सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन जब फंक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज के चांसेस, जब देखो जाहिर सी बात है ना, जब ये वाला रिएक्शन हो रहा होगा, जब सोशल सॉलिडारिटी का रिएक्शन हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली भाई चेंज तो नहीं आ सकता, सब लोग एग्रीमेंट हो जाएगा, सही है। अब क्या होगा, इनके नजदीक फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये सोशल स्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं, क्या करते हैं, सोशल स्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक तरफ कैपिटलिज्म प्रमोट होता है और पेट्रियार्की प्रमोट होती है, यानी कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल फोर्सेस आपके पूरे सिस्टम पर इम्पोज हो जाती हैं, एम राइट? यानी कि अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, अब मैं आता हूँ, अब फैमिली के अंदर जब, अब मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ आऊँगा, अब मार्क्सिस्ट को लगता है, फेमिनिस्ट को लगता है कि आपके जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं मेल्स और फीमेल्स के, वो दरअसल क्या कर रहे हैं, वो दरअसल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली सोसाइटी में पेट्रियार्की को सपोर्ट करें, क्या करें, पेट्रियार्की को सपोर्ट करें। अब मैं आगे कहानी को डेवलप करता हूँ, यानी कि जब मैंने यहाँ पर, अब मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे लिखा
जब मैंने यहां पे लिख दिया फेमिनिज्म, तो आपके जहन में आना चाहिए हमारे पास स्ट्रक्चरल फोर्स क्या हो गई, हम किस स्ट्रक्चरल फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, हम पेट्रियार्की की स्ट्रक्चरल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनना, जिस तरीके से अब देखो तुम लोग एक बात देखते होगे, मार्क्सिज्म हर चीज में कैपिटलिज्म को ले आते हैं बीच में, अब फेमिनिज्म उस तरह से हर चीज को पेट्रियार्की को ले आएंगे उसमें बीच में। क्यों लेके आएंगे पेट्रियार्की को बीच में? बिकॉज पेट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेंसी इनके नजदीक वो स्ट्रक्चरल फोर्स है जो सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके नजदीक सारे मसले इनकी, इसके नजदीक सारे मसले कैपिटलिज्म की वजह से हो रहे हैं, इनके नजदीक सारे मसले किसकी वजह से हो रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी पेट्रियार्की की वजह से। देयर इज अ स्ट्रक्चरल फोर्स, एम आई राइट? का मतलब नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल सबसे ऊपर से जा रहा हाँ, तुम्हें स्ट्रक्चरल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बात सारी है, स्ट्रक्चरल फोर्स क्या है? सोसाइटी की एक इनविजिबल ताकत जो सोसाइटी को एक तरफ लेके जा रही है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात समझाऊँ इसमें तो क्या समझ में आता है कि अब कहते हैं ना इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स का मतलब क्या है? सोसाइटी की एक इनविजिबल ताकत। इनविजिबल ताकत का मतलब क्या है? एक ऐसी फोर्स जो इंडिविजुअल एक्शन को किसी चीज़ की तरफ ड्राइव करे। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कैपिटलिज्म जो है वो एक स्ट्रक्चरल फोर्स है, एक ताकत है, ठीक है, जो इंसान के एक्शन को किसकी तरफ लेकर चली जाती है, इंसान एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि इनइक्वालिटी इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, इनइक्वालिटी इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, रादर इट इज़ क्रिएटेड बाय कैपिटलिस्ट। प्रीवियसली वी थिंक दैट क्या है कैपिटल, हमें क्या लगता है क्या इनइक्वालिटी जो जो सोसाइटी में क्लास इनइक्वालिटी है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल सोसाइटी में लोग, जबकि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द क्लास इनइक्वालिटी इज क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट विद इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने पास जमा करके रखते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर फ्लो ऑफ मनी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या हुआ, गरीब गरीब से गरीबतर होता जाता है, अमीर अमीर से अमीरतर होता जाता है। सही है, सोसाइटी में क्लास इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं फेमिनिज्म की बात करूं तो फेमिनिज्म क्या कहता है कि पेट्रियार्की इज़ अ रीज़न, क्या है, पेट्रियार्की इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंसी बढ़ रही है। एम आई राइट? मेल डोमिनेंसी बढ़ने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, मेल डोमिनेंसी बढ़ी और जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है। अब फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन क्या करें, ये पेट्रियार्की को एज अ सोशल फोर्स इंटैक्ट करें और सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल एक्शन किसकी तरफ जा इंक्लाइंड हो रहा है, टूवर्ड्स द स्टीरियोटाइपिकल रोल्स एंड डिविजन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या हुआ, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, मेल्स आर कंसिडर सुपीरियर देन फीमेल्स। नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो अब पेट्रियार्की यानी कि सोसाइटी का कल्चर ऑफ मेल डोमिनेंसी एक ऐसी चीज बन गया है जिसकी वजह से सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी पैदा हो रही है, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पेट्रियार्की, फेमिनिस्ट पेट्रियार्की को सपोर्ट करेंगे? पेट्रियार्की को सपोर्ट करेंगे? पेट्रियार्की का मतलब क्या है? अब भाई जेंडर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करेंगे, चाहेंगे जेंडर इनइक्वालिटी हो? हाँ, जेंडर चाहेंगे कि मेल को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाए, फीमेल को कम सुपीरियर समझा जाए? हाँ, तो क्या जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? हाँ, इक्वालिटी चाहेंगे। सर अब देखो चाहेंगे तो, लेकिन आप उनके नज़र जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं चाहेंगे, इनइक्वालिटी नहीं चाहेंगे। अब इनइक्वालिटी किस लिए हो रही है? पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का मतलब है मेल डोमिनेंसी, सोसाइटी के हर सोशल इंस्टीट्यूशन में मेल डोमिनेंट है। सही है, समझ आई बात? अच्छा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब देखिए फेमिनिज्म को मैंने आपको एक बेसिक आइडिया क्रिएट कर दिया कि भाई ये लोग ये चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ तो क्या समझ में आता है, यानी कि इनका अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो सोशल चेंज है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करता हूं फेमिनिज्म एंड द फैमिली, हमारा जो मेन कोर टॉपिक है, ठीक है। अब एज फेमिनिज्म जो है अगेंस्ट, मैं एक जेनेरिक अप्रोच दे रहा हूं, उसके बाद बहुत सारी अप्रोचेस आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, सही है। अब फैमिली के अगेंस्ट में क्यों है? बिकॉज इनके नजदीक, एक सेकेंड रुकिएगा,
इनके नजदीक एक्चुअल में क्या है, फैमिली क्या ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से फेमिनिस्ट इसको बिल्कुल समझ सपोर्ट नहीं करते। फेमिनिस्ट फैमिली असल में जेंडर्ड सोशलाइजेशन कर रही है। क्या कर रही है बेटा? जेंडर्ड सोशलाइजेशन, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, डिफरेंट वैल्यूज एंड नॉर्म्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग एंड फीमेल्स के लिए अलग। अब जैसा कि जेंडर सोशलाइजेशन होता क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रोल जो होता है, जैसा कि जिसको हम इकोनॉमिक रोल भी कहते हैं, वो चला जाता है किसकी तरफ, वो चला जाता है मेल की तरफ, सही है। फिर जो एक्सप्रेसिव रोल होता है जिसको हम इमोशनल रोल भी कहते हैं, वो चला जाता है किसकी तरफ, फीमेल्स की तरफ। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो जेंडर्ड सोशलाइजेशन होती है वो सिर्फ इस चीज पर बेस नहीं करती, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं डिफरेंट रोल मॉडल्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, सही है, मेल्स एंड फीमेल्स के लिए डिफरेंट रोल मॉडल्स आ गए। समझ आई बात? ठीक है, समझ आती बात। यानी कि एक तरह से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ठीक है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। अब देखो एक्चुअली फेमिनिस्ट का जो पहला आर्गुमेंट है ना, दे डोंट वांट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, क्योंकि जहां डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा वहां पर डिविजन, जहां पर क्रिएट होगा वहीं पर इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। एम आई राइट? सही है। अब देखो एक्चुअल में जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर जेंडर्ड करिकुलम की फॉर्म में, कहां पे, एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप मेल्स आर स्टडिंग डिफरेंटली, फीमेल्स आर स्टडिंग डिफरेंटली, सही है। और फिर अगर मैं और इस चीज को और डिटेल में लेके चलूं तो क्या, हाँ भाई, मेल्स आर स्टडिंग सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड फीमेल्स आर स्टडिंग सब्जेक्ट्स लाइक नर्सिंग, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट जो आगे आता है वो आता इस तरह से है कि वर्क प्लेस सेग्रीगेशन होती है, वर्क प्लेस सेग्रीगेशन होती है, ठीक है। अब ये जो वर्क प्लेस सेग्रीगेशन होती है इसका मतलब है कि मेल्स आर ऑन द अपर पोजिशन एंड फीमेल्स आर द लोअर पोजिशन। ये जो सारी मसाइल थे शुरू किसने किए थे, फैमिली ने शुरू किए थे। जब अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, जबकि मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि अब ये जो आर्गुमेंट है ना इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल वाला, ये आर्गुमेंट दिया था पार्सन्स ने, जो कि दरअसल थे फंक्शनलिस्ट। इन्होंने कहा था कि मेल्स एंड फीमेल्स आर नेचुरली डिफरेंट, मेल्स एंड फीमेल्स आर नेचुरली डिफरेंट, एंड मेल्स आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इंस्ट्रूमेंटल रोल्स एंड फीमेल्स आर इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्सप्रेसिव रोल, ठीक है। पार्सन्स जो था उसने कहा था मेल्स एंड फीमेल्स आर नेचुरली डिफरेंट, मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो नेचुरली डिफरेंट हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? एनी कन्फ्यूजन चल गया? नहीं समझ आ रहा? कहाँ फंस रहे हो? तुमने वीडियोस ही देखी नहीं, वो कॉपी कॉपी किया हुआ है, सारा किया हुआ है, फिर कहाँ फंस रहे हो? फिर तो फंसना नहीं चाहिए, कहाँ फंस खा रहे हो? जगह बताओ फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। कहाँ फंसे, कहाँ पीछे, कहाँ फंसे हो, वो जगह का नाम बताओ। अब वो क्या कहते हैं, सोशल चेंज चाहते हैं, सही है। अब तुम्हारी वाली बात को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, अब सोशल चेंज किस फॉर्म में चाहेंगे,
जेंडर इक्वालिटी के फॉर्म में। कौन से स्कूल से हो? ओ लेवल्स कहाँ से किए? किंग्सले अमेरिकन से किया। ठीक है, अच्छा और बताओ कहाँ फंसे हो? पक्का दोबारा बोलो, मैं पूरा पढ़ा पढ़ा दूंगा, मसले की बात नहीं है। ये मैंने किया। फेमिनिज्म जो है वो दरअसल सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेल और फीमेल में सेग्रीगेशन करते हैं। सही है। अब देखो वो एजुकेशन के भी खिलाफ होगा क्योंकि वो जेंडर्ड करिकुलम कर रहा है। वो वर्क प्लेस के भी खिलाफ होगा क्योंकि वहां पर भी सेग्रीगेशन हो रही। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है बात? यानी कि एक्चुअल के अंदर ये फैमिली के खिलाफ क्यों है? बिकॉज फैमिली इज क्रिएटिंग डिविजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। एम आई राइट? सही है। हाँ पार्सल ने कहा, पार्सल ने कहा है, पार्सल ने कहा है भाई, पार्सल यंग डेल्फी की पूरी थ्योरी है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। कहा भाई डिफाइन, ये जो इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल की कहानी है पार्सल ने कही, मैं तो अपने पास एजुकेशन करिकुलम, ये तो पूरा साइकिल चल रहा है ना बेटा, फंक्शनल फिट चलता है, फैमिली एजुकेशन वर्क प्लेस तीनों इंटरलिंक्ड इंटरपोजिशन है। ठीक है, जो बर्न फैमिली में होगा उसका इंपैक्ट एजुकेशन में आएगा। अब वो इंडिविजुअल डिसाइड, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गए, तुम पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म में आ गए कि इंडिविजुअल हैव राइट टू डू व्हाट एवर दे वांट टू डू, वो तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गए। लेकिन हम जो हम मॉडर्निस्ट थ्योरीज की बात करते हैं उसमें तो डिविजन आता है ना। अरे मेरी जान तो सही कह रहा, गलत नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी थ्योरी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी में आएगी। सही है, मैटर नैरेटिव बेस्ड थ्योरीज में नहीं आएगी तुम्हारी बात। तुम्हारी बात गलत नहीं है, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हो तुम उससे, तुम बात गलत सही करो। आज की दुनिया में ऐसा ही होता है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हर इंसान आज़ाद है व्हाट एवर ही वॉन्ट्स टू डू बिकॉज देयर इज अ कल्चरल प्लूरलिज्म। हाँ एग्जैक्टली भाई, ये जो वर्ड मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ ये पार्सन ने यूज़ किया। सही है, ये मेरा अपने जाति वो जनरेट करिकुलम में आपको A2 में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो बिल्कुल आप डिफरेंट बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ वाली बात तो यहाँ से लिंक हो जाती है। सही है, फिर वहाँ वाली बात वो एक डिफरेंट अप्रोच आती है, वो बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अटेनमेंट के साथ आएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा जनाब, यहाँ तक क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आगे सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? सही, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के सोशियोलॉजिस्ट आते हैं। सही है, मुख्तलिफ तरीके के सॉरी फेमिनिस्ट आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे पहले आते हैं लिबरल फेमिनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एक्चुअल में इनका ऑब्जेक्टिव जो है ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। अब जेंडर इक्वालिटी क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल आर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, बोथ मेल एंड फीमेल आर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, यानी कि दोनों मेल और फीमेल सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? कोई फॉर्मूला तो होगा ना इसका? सही है, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है सिमेट्रिकल फैमिली की फॉर्म में, कि जिसके अंदर बोथ मेल एंड बोथ फीमेल आर वर्किंग इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, दोनों इनसाइड एंड आउटसाइड द होम काम कर रहे हैं। समझ आई बात? ये बात समझ में आती है? हाँ सही है, क्या कह रहे हो दोबारा बोलो? फैमिली का रोल इम्पोर्टेंट होता है भाई, बहुत सिंपल सा। फैमिली या कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन फेमिनिस्ट के लिए सही नहीं है, बिकॉज क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक ये जो फैमिली है या ये सोशल इंस्टीट्यूशंस दरअसल सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करें मेरे भाई। अब देखो हमने पहले पढ़ा ना, जेंडर सोशलाइजेशन शुरू कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ये क्या डिमांड करते हैं? ये उनका ऑब्जेक्टिव है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे हमारे पास होते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। ये दरअसल क्या डिमांड करते हैं? ये कहते हैं देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ
क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि क्लास इनइक्वालिटी का इंपैक्ट जेंडर इनइक्वालिटी पे होता है। कैसे? एज मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल द मेल बिकम कैपिटलिस्ट व्हाइल द फीमेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रोल द फीमेल बिकम डोमेस्टिक लेबर। ठीक है, कुछ हल में समझ आया? नहीं आया समझ? आ गया। यानी कि मेल और फीमेल के रोल के साथ क्या कह रहा है कि एक्चुअली ये उस रोल के साथ अटैच कर रहा है कि भाई जब मेल पैसा होगा उसके पास तो वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन होगी। क्या होगी? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन की बात करेगा। एनी कन्फ्यूजन चल जाए, समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई घर के काम होंगे कैसे? सही है, ये मैं आगे आपकी सोशल पॉलिसी में डिस्कस करूंगा। तो फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का कहना ये था कि स्टेट विल प्लान आउट अ डोमेस्टिक स्टाफ टू डू द जॉब्स लाइक लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक स्टाफ। ठीक है, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन रहे रादर देन इनइक्वालिटी। एनी कन्फ्यूजन चले? तो वो एक फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ था इस हवाले से। ठीक है, अच्छा हम अभी आगे भी और भी चीज फेमिनिस्ट को डिस्कस करते हैं। सही है, हमारे पास नेक्स्ट फेमिनिस्ट आते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव दरअसल क्या होता है? मैट्रियार्की। मैट्रियार्की स्टैंड्स फॉर व्हाट? फीमेल डोमिनेंसी विद इन द सोसाइटी। रादर देन मेल डोमिनेंसी दे डिमांड फॉर द फीमेल डोमिनेंसी। सही है, अब देखो इसमें डिफ्रेंसिएशन तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब ये इक्वालिटी चाहते हैं, यानी कि दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि दरअसल एक तरह से कुछ पॉइंट्स के अंदर ये एक ड्रास्टिक किस्म का दे डिमांड फॉर द रेवोल्यूशन, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसके बाद से पूरा सिस्टम तब्दील हो जाए। सही है, ये एक सिस्टम है, ये आहिस्ता लिबरल फेमिनिस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट चाहते हैं, ये लोग एक ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं जिसके वजह से पूरा सिस्टम चेंज हो जाए। समझ में आई बात? अच्छा, फिर हमारे पास कौन से फेमिनिस्ट आते हैं? हमारे पास आते हैं ब्लैक फेमिनिज्म फेमिनिस्ट होते हैं। ये हैं एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट द ब्लैक वुमेन। ये ब्लैक वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। ठीक है जी, ये पर्टिकुलरली एक एरिया के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुने, ये है डिफरेंस। नहीं आते रेसिस्ट नहीं, कि वुमेन के खिलाफ है ना, जो एक्सप्लॉयट हो रहा है उनके खिलाफ है ना। सही है, हाँ, इंटरसेक्शन भी आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस फेमिनिस्ट जो होते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो, ये वो लोग हैं जो डिफरेंट रोल ऑफ मेल एंड फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, दे आर एक्चुअली अगेंस्ट द लिबरल फेमिनिस्ट। यानी कि ये वो लोग हैं जो दरअसल कहते हैं कि भाई दोनों का, मेल और फीमेल का रोल डिफरेंट होना चाहिए। वो कहते हैं, लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि देयर शुड बी एन इक्वालिटी, ये कहते हैं। सही है, अच्छा अब कुछ ओवरऑल थॉट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट के बाद ये लोग कहते हैं कि मेल का रोल डिफरेंट है, फीमेल का रोल डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा अब जरा सा ओवरऑल कुछ थॉट्स की तरफ आते हैं। जैसा कि अब बहुत सिंपल सी बात करते हैं, फेमिनिस्ट ने दरअसल बात की है डार्कर साइड ऑफ मैरिज की। किसकी बात की है? डार्कर साइड ऑफ द मैरिज, जिसके अंदर चाइल्ड अब्यूज आ जाता है,
डोमेस्टिक वॉयलेंस आ जाता है, सही है। इसके अलावा रेप इन मैरिज आ जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बैठ रहे इन मैरिज, ठीक है। अच्छा ये चीजें आ जाती है। अच्छा अब देखिए एक बात है, कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पे ना रिसर्च मेथड का कॉन्सेप्ट को इनकलकेट करूंगा, जैसे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। अच्छा अब क्या होता है, फेमिनिस्ट यूज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज फॉर द रिसर्च ऑन डोमेस्टिक वॉयलेंस, ठीक है। डोमेस्टिक वॉयलेंस पे रिसर्च करने के लिए क्या यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, बिकॉज ये बहुत इनडेप्थ होते हैं, बहुत डिटेल्ड होते हैं। एनी कन्फ्यूजन टिल हियर, नहीं समझ समझ आया, सही है, क्लियर हो गया, ठीक है। पी वन की क्लासेज नहीं, पी वन की क्लासेज नहीं, सही है। वीडियोज भेजी थी, देखी नहीं, नहीं नहीं देखी ना, नहीं देखी, पक्का नहीं देखी, दिखाओ। अच्छा जी यहाँ तक हमारा क्लियर होता है, सही है, यानी कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसको एंड तक लाके कंप्लीट किया। एनी कन्फ्यूजन टू लिया, सही है, डोमेस्टिक वन। अच्छा अब एक सवाल लिख लीजिए अपने पास, एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फेमिनिस्ट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फेमिनिस्ट एंड the family, and the family, ठीक है, thank you।